डॉक्टर सेल के ऑल इंडिया कन्वीनर डॉक्टर महेश शर्मा जी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अरुण जेटली जी, आदरणीय डॉक्टर साहब का नाम भूल रहा हूँ, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी और डॉक्टर अनिल जैन जी और हमारे यहाँ के जिन्हें मुख्यमंत्री के रूप उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया हम लोगों ने, ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी चिकित्सक बहनों एवं भाइयों, आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं बैठे बैठे मुझे याद आया कि श्री अरुण जेटली जी का आवास है, तो मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, बगल में कार्यालय ही है और हम लोग उनके आवास को भी पार्टी का कार्यालय ही मानते हैं। इसलिए सबसे पहले पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आप सभी चिकित्सक बहनों एवं भाइयों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और अपने बात की शुरुआत मैं अरुण जेटली जी के वक्तव्य से करता हूं। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है और क्रेडिबिलिटी के प्रश्न पर भी विचार करते हुए हम लोगों ने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में दिल्ली में प्रोजेक्ट किया है। जो क्रेडिबिलिटी की बात उन्होंने कही है यह सच्चाई है। आप भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि स्वतंत्र भारत में नेताओं के वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति जन सामान्य में विश्वास जो पहले हुआ करता था उसमें कमी आई है। और मैं यह मानता हूं कि यह विश्वास का संकट या क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी निरंतर बढ़ती जा रही है। और बराबर मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं कि भारत की राजनीति में जो है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है, इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चैलेंज के रूप में इस देश में यदि कोई पार्टी स्वीकार कर सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही स्वीकार कर सकती है। आप भी हमारी बात से सहमत होंगे कि जब से आजादी मिली है और जब से हिंदुस्तान में चुनावी सिलसिला प्रारंभ हुआ है तब से नेताओं ने इस देश की जनता को जितने आश्वासन दिए हैं शायद आंशिक रूप से भी अपने आश्वासनों को पूरा कर दिया होता तो शायद हमारा यह देश सारे विश्व का एक सबसे बड़ा सुपर इकोनॉमिक पावर बन गया होता, लेकिन नहीं हो पाया। संकट चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पर देखें अथवा इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रंट पर देखें अथवा डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देखें, यह संकट निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को जो हम लोगों ने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है बहुत सोच समझ कर प्रोजेक्ट किया है। इनके परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हुए और साथ ही साथ गवर्नमेंट में भी हेल्थ मिनिस्टर के रूप में काम करते हुए भी हम लोगों ने अच्छी तरह देखा है। मैंने जो व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है डॉक्टर हर्षवर्धन के अंदर, मैंने देखा है कि कैसे पॉलिटिशियन है जिनके पास एक विजन है और विजन के साथ साथ मैंने एक कन्विक्शन भी इनके अंदर मैंने देखा। और मैं यह मानता हूं कि विजन और कन्विक्शन और एक तीसरी बात क्लीन इंटेंशन यदि इसके साथ जुड़ जाता है तो वह नेता चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती उसके सामने क्यों न खड़ी हो जाए उसका पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर सकता है और उस पर वह विजय हासिल कर सकता है। तो यह विजन, यह कन्विक्शन और क्लीन इंटेंशन, ये तीनों चीजें हम लोगों ने डॉक्टर हर्षवर्धन जी में देखी है, इसीलिए सोच समझ कर उन्हें चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में इस चुनाव के मैदान में हम लोगों ने उतारा है। सवाल यह खड़ा होता है कि इस देश को आजादी हासिल किए हुए लगभग 67 वर्षों का समय गुजर गया है और इन 67 वर्षों में लगभग 55 वर्षों तक इस देश में हुकूमत रही है तो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी की रही है, वह कांग्रेस की रही है। और इन 55 वर्षों में यदि हम देखें तो 40 वर्षों से अधिक समय तक यदि हुकूमत रही है तो केवल एक परिवार की हुकूमत रही है। मैं समझता हूं कि किसी भी देश की समस्याओं के समाधान के लिए
40 वर्षों का समय अथवा 55 वर्षों का समय या कोई कम समय नहीं होता, लेकिन इतने लंबे समय गुजर जाने के बावजूद हमारी देश की समस्याओं का समाधान होने की बात तो दूर, बल्कि हमारे समस्याएं निरंतर गहरी होती जा रही हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं, संकट गहराता चला जा रहा है। कैसे इसका समाधान निकले, मैं समझता हूं समस्त देशवासियों को इस संबंध में गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। मैं सारे देश की यदि मैं चर्चा न करूं, केवल यदि मैं दिल्ली की चर्चा करूं, तो आज के कुछ दिनों पहले मैंने यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट देखी थी, जिसमें कि इस दुनिया के लगभग 95 बड़े बड़े जो शहर हैं उनका सर्वेक्षण कराने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने जो एक रिपोर्ट दी है उसमें दिल्ली के बारे में, दिल्ली और मुंबई इन दोनों शहरों का कहीं पर कोई स्थान नहीं आता है, और दिल्ली के बारे में कहा है कि दिल्ली तो एक ऐसी सिटी है जो न तो लवेबल है और न तो लिवेबल है। यह दिल्ली के बारे में, यह यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। जिस राज्य में लगातार 15 वर्षों तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो और उस राज्य के बारे में एक ऐसी सर्वेक्षण के बाद यदि रिपोर्ट आए, तो मैं समझता हूं कि हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी यह चिंता का विषय है। मैं यह मानता हूं दिल्ली ही नहीं बल्कि सारे देश के समक्ष जो इस समय समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए। आप सब डॉक्टर हैं, आपके पास यदि कोई मरीज जाता है तो आप मरीज से उसकी पास्ट हिस्ट्री जो है वह जानने की कोशिश करते हैं, इसके पहले कब बीमार हुए थे, कौन सी दवा लेते थे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मैंने तरह तरह के आप सवाल करते हैं। क्यों सवाल करते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि पहले इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए और डायग्नोसिस होने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यदि इसको जो यह बीमारी हुई है, इस बीमारी का कारण यह चीज है, और उस कारण को, उस जड़ को पकड़ने के बाद आप दवा लिख देते हैं और दवा खाता है वह मरीज, वह ठीक हो जाता है। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि आज हम देश की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति यह कहेगा कि सचमुच देश की सबसे बड़ी बीमारी है इस समय तो गरीबी है और आय की विषमता, जिसे इनकम डिस्पैरिटी कहते हैं, वह है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, प्रमुख रूप से यही देश की बीमारियां। तो सवाल यह खड़ा होता है कि इस देश की बीमारी का कारण कौन है। तो आजाद भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर पूरी तरह से कोई विश्लेषण करेगा तो इसी नतीजे पर पहुंचेगा, यदि कारण है तो केवल और केवल कांग्रेस ही कारण है और उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है, दूसरी राजनीतिक पार्टी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तो मैं कहता हूं कि यदि कारण समझ में आ गया कि देश के समक्ष जो बीमारियां हैं उसका कारण क्या है, देश की बीमारियों का कारण क्या है, समझ में बात आ गई, तब उसका इलाज यदि कोई कर सकता है तो देश की जनता ही कर सकती है। तो सचमुच भारत को गरीबी से मुक्त करना चाहते हैं, बेरोजगारी से मुक्त करना चाहते हैं, आय की विषमता को मिनिमाइज करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त भारत को करना चाहते हैं, तो इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बना दीजिए, अपने आप इन सब सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। और दिल्ली का जहां तक प्रश्न है, दिल्ली के बारे में बहुत अधिक मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझसे बेहतर दिल्ली में 15 वर्षों में क्या किया है यहां की कांग्रेस की सरकार ने आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी को जब से हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है, आप भी यह महसूस कर रहे होंगे कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिल्ली में तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है, और उनका परफॉर्मेंस एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में कैसा रहा है उसके संबंध में पहले यह चर्चा आ चुकी है, इसलिए उसकी भी चर्चा करके मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता। जैसे पोलियो उन्मूलन का ही सवाल है, तो जिस व्यक्ति के अंदर कन्विक्शन नहीं होगा, मैं समझता हूं कि इस झील के साथ, इस उत्साह के साथ वह उस काम में नहीं लगेगा। तो इतनी बात तो पक्की है कि इस व्यक्ति के पास एक कन्विक्शन है, और कन्विक्शन जिसके पास है, विजन जिसके पास है, क्लीन इंटेंशन जिसके पास है, वही निश्चित रूप से दिल्ली को, भारत ही नहीं
बल्कि दुनिया के सबसे बेहतर शहर के रूप में लोगों के सामने पेश कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा है। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि आप सभी का समर्थन डॉक्टर हर्षवर्धन को प्राप्त तो होगा ही होगा, लेकिन आप सब जहां भी अपने पेशे से जुड़े हुए हैं, जहां भी आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, आपका संबंध बहुत ही व्यापक होता है और आपके संबंधों का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दिल्ली में विजय हासिल करेगी। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि इसके पहले जो ओपिनियन पोल्स आए, उन ओपिनियन पोल्स में दिल्ली के बारे में यह बात आती थी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आ चुकी है, ऐसा कहते थे। लेकिन इधर जितनी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और हम लोग भी जो अपनी तरफ से सर्वे कराते हैं, अब जो रिपोर्ट हासिल हो रही है, हम लोग अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हैं कि दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ही बनेगी। और 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन 5 राज्यों में 4 राज्यों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा अब हम सभी लोगों में पैदा हुआ है। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। गुड गवर्नेंस का जहां तक सवाल है, गुड गवर्नेंस के मामले में तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जो समय समय पर भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों के गवर्नेंस की परफॉर्मेंस की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट देती हैं, तो इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी सच्चाई को स्वीकार किया है कि भारत में अन्य राजनीतिक पार्टियों की अपेक्षा बेहतर गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। यह वो सब सारी इंटरनेशनल एजेंसी भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन चाहिए, यही आप सबसे अनुरोध करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं।